दिल्ली की महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का अनशन 5 दिन से जारी है। समर्थन में राजघाट पहुंची निर्भय की मां। राज्यसभा सांसद संजय सिंह और पूर्व सांसद शरद यादव समर्थकों ने राजघाट से इंडिया गेट तक निकाली विशाल कैंडल मार्च। बलात्कारियों को फांसी देने के लिए एक मजबूत कानून, पुलिस के संसाधन में बढ़ोतरी एवं जवाबदेही और अन्य मांग लेकर अनशन पर बैठी स्वाति मालीवाल का अनशन आज 5वें दिन तक भी जारी है। उन्नाव में हुई दर्दनाक घटना की पीड़िता की मृत्यु की खबर सुनकर स्वाति ने अपना दुख जाहिर किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से तुरंत मामले को फास्ट ट्रैक कर दोषियों को सजा दिलवाने की अपील की। संजय सिंह ने आश्वासन दिया है कि सोमवार से दोनों संसदों में स्वाति की मांग को उठाने के लिए वह स्वयं और अन्य दल के भी वरिष्ठ नेता से बात करेंगे और इन मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए पूरा दबाव बनाएंगे। इस पर निर्भय की मां ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। तो आप लोगों ने स्वाति जी का समर्थन के लिए यहां पे अपना कीमती समय निकाल के आए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं कि आज का यही समय है कि आप लोग बाहर आइए, अपने आप को पहचानिए और अपनी लड़ाई लड़ते रहिए, क्योंकि जब तक जो क्राइम हो रहा है हमारे साथ, जब तक हम उस क्राइम के खिलाफ खुद नहीं लड़ेंगे, तब तक हमारी सरकार, हमारे समाज, कोई नहीं हमारी सुरक्षा करेगा। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि हम महिला जरूर हैं, हम कमजोर नहीं हैं, हम इतना ताकत रखते हैं कि जिस पुरुषों के साथ हमारा हनन हो रहा है, उस पुरुष को दुनिया में लाने वाले हम ही हैं और हम ही उनको दंडित करेंगे। लेकिन वो समय जरूर आएगा, एक न एक दिन पुरुष को अपने गलती का एहसास होगा और महिलाओं के सामने वो घुटना जरूर टेकेगा, वो समय जरूर आएगा। तो मैं सरकार से, अपने सिस्टम से, चाहे हमारी दिल्ली सरकार हो, चाहे हमारा केंद्र सरकार हो, चाहे हमारी राज्य सरकारें हो, मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि ये जो भी इनकी 6 मांगे हो जल्द से जल्द पूरा हो, जल्द से जल्द सरकार अपने फ्रंट से आके इसका वादा पूरा करे और जल्द से जल्द उनका अनशन खत्म हो। हजारों की तादाद में लोगों ने हाथों में मोमबत्ती और उन्नाव के बलात्कारियों को फांसी दो लिखी तख्तियों को लेकर इंडिया गेट तक मार्च किया। मार्च में शामिल लोगों ने उन्नाव की पीड़ित को एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी और सरकार से आरोपियों को जल्द से जल्द सजा देने की मांग भी की। स्वाति ने दुख जताते हुए, आज हमारे आंदोलन से देश भर के लाखों करोड़ों लोग जुड़ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह अपना अनशन किसी भी हाल में तोड़ने वाली नहीं है, जब तक इस देश में ऐसा सिस्टम नहीं बनाया जाएगा जिसमें बलात्कारियों को 6 महीने के अंदर फांसी दी जाए। तेज निगाहें, ब्यूरो दिल्ली।